So, namaskaram all, and we have completed services provided by government till last lecture. In this lecture, we are talking about services provided to government. Now, please understand, GST law does not only exempt services provided by government, but it also gives a relaxation for activities in which services are being provided to government. So, this is in this situation, service provider may be a private entity like you and me. There can be a company. The recipient of service is government. So for government, these are the activities which are considered as the input service. And because many government entities are exempt, so they don't want to put tax on their input services. So let's look at this. There are certain activities that you need to keep in mind. Pure service provided to government. Now, when we say pure service means it has to be only component of service. So please understand, when we talk about contract, there can be two types of contract. One is supply of service contract, one is supply of goods contract, and another one is composite contract. Okay, supply of service contract, supply of goods contract, and composite contract. Supply of service contract is already covered here because it's talking about pure service, so you will definitely get the exemption. अगर आप government को service दे रहे हो, जो उन्होंने यहाँ पे बोला है, और वो service के related अगर आपने कुछ भी activities की होगी, तो definitely it is going to be exempt. Whereas supply of goods, if you are supplying certain goods to government, तो वो government को आप जो goods दे रहे हो, वो exempt नहीं है, मतलब वो क्या है? Taxable है. Exempt नहीं है, मतलब वो क्या है? Taxable है. और कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी हम ज्यादा बात करेंगे. कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे सर्विस भी होता है और मटेरियल भी होता है. सर्विस भी होता है और मटेरियल भी होता है. पहले तो ऐसे था कि सर्विस प्लस मटेरियल होगा तो टैक्सेबल होगा, सर्विस प्लस मटेरियल होगा तो टैक्सेबल होगा. लेकिन गवर्नमेंट ने अभी बोला है नहीं नहीं नहीं, मटेरियल का छोटा मोटा अगर कंपोनेंट है, 5% मटेरियल, 2% मटेरियल, 10% मटेरियल अगर ऐसा जाता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे. तो राइट नाउ दे हैव गिवन अस some relaxation in form of supply of material to the extent of 25%. Direct to the extent of 25% अगर होगा तो हम exempt करेंगे, ठीक है ना? Material. Pure services excluding work contract service and other composite supplies. Composite supply मतलब material plus labor. Okay? Involving supply of goods, supply of any goods. तो ये exclude किया जा रहा है, आप समझ रहे हो ना? प्योर सर्विस मतलब खाली सर्विस की बात करता है. प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी. किसके रिलेशन में? बाय वे ऑफ. ये कोई भी जनरल सर्विस की बात नहीं कर रहा है. बाय वे ऑफ मतलब जो उन्होंने बोला है उसी के लिए. अब मुंबई में अपने यहाँ पे एक राम की इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी है, राम की इंफ्रा, ठीक है ना? ये कंपनी का काम क्या है? तो क्लीन अप मुंबई करके जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन कपड़े को जब कपड़े पहन के जो प्रोजेक्ट चलाते हैं, वो क्लीन अप मुंबई का काम ये करते हैं. अब प्लीज अंडरस्टैंड करो, राम की इंफ्रा तो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो काम करता है, ठीक है ना? वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है अपने यहाँ पे. जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो काम लोकल अथॉरिटी को करना चाहिए था, क्योंकि उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. और वो कहाँ पे लिखा है? अगर पंचायत लेवल पे होगा तो आर्टिकल 243 जी में लिखा है, और अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 243 डब्ल्यू में लिखा है. तो आप अगर ऐसा कोई काम करोगे जो आर्टिकल 243 जी या आर्टिकल 243 डब्ल्यू से ओरिजिन करता है, रिलेट करता है, तो आप बिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपको भी एग्जम्पशन दिया जाएगा, ठीक है ना? तो एक तो ऐसी बात हो गई सर. तो फिर यहाँ से तो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट को और गुड्स कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाला है. तो मैंने बोल दिया गुड्स कॉन्ट्रैक्ट तो टैक्सेबल है, लेकिन कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट को 25% मटेरियल तक एग्जम्प्ट रखा हुआ है, ठीक है ना? अगर 25% मटेरियल होगा तो एग्जम्प्ट होगा. मोर देन 25% अगर मटेरियल होगा, इससे ज्यादा होगा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. वो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 है. देखो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट. सर्विस की तो बात ऊपर ही चली गई, सर्विस तो एग्जेम्प्ट हो गया. कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इन व्हिच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25%, नॉट मोर देन 25%, ऐसी लैंग्वेज लिखी है,
अप टू 25% की लैंग्वेज नहीं लिखी है, मतलब ये कंडीशन है, मतलब ये क्या है, कंडीशन है। मतलब अगर 25% से अगर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और 2 लाख का मटेरियल है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली 20% है। लेकिन 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और 3 लाख का मटेरियल दे दिया, नहीं चलेगा, पूरा 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी रिटन इन 243G and 243W। तो पहले तो यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया और यहाँ पे कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जम्प्ट किया, लेकिन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे रखा, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक केस स्टडी आपके मॉड्यूल में दिया उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो, जैसे मुझे तो यहाँ के इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने थे, लेकिन वो क्वेश्चन बताने से पहले जो बाकी की जो एंट्रीज है वो भी मैं खत्म कर देता हूँ। 11A बोलता है, आपने बहुत सारी अभी हमने बात किया कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप मतलब अपना मुंबई की भाषा में रेशन शॉप, रेशन शॉप मतलब जहां पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज वैल्यू में फूड देता है आपको। जैसे वीट अगर होगा तो 2 रुपीज केजी, शुगर होगा तो 5 to 10 रुपीज केजी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स, पता नहीं अभी मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं। राइस 3 to 5 रुपीज केजी, और अभी कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला था कि पर मेंबर इतना इतना अपने राइस और इतना इतना वीट और इतना पल्सेस, आपको दाल वगैरह उतना फ्री में दिया जाएगा, फ्री में, ठीक है ना। तो एक होता है कंसेशनल रेट और दूसरा होता है फ्री वाला रेट। तो वो सारी शॉप जो होते हैं उनको, जो रेशन की शॉप होते हैं जहाँ पे ऐसी गर्दी हुई रहती है हमेशा, ठीक है, लाइन लगी पड़ी रहती है, तो ऐसे शॉप्स को वहां पे गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करके रखा है। इसका ये मतलब अगर आप कमोडिटी बिग बाजार से लोगे, डीमार्ट से लोगे, किसी भी सुपर मार्केट से लोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट इफ यू टेक द कमोडिटी फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप में जो नॉर्मल गवर्नमेंट फंडेड कमोडिटी जो दी जाती है उनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, दैट मींस व्हाट यू से, रॉकिन, ओके, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। तो दिस शॉप शॉपकीपर दे गेट कमीशन और मार्जिन फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो वो बात हो गई। आगे चलते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। वैसे तो इंश्योरेंस की अभी तक बात हमने नहीं की, लेकिन जनरली आप याद रखो इंश्योरेंस इज द टैक्सेबल सर्विस, बहुत सारी इंश्योरेंस एक्टिविटीज के ऊपर सर्विस जीएसटी लगता है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज आर पेइंग जीएसटी, रजिस्टर्ड होती है, कुछ सिलेक्टेड इंश्योरेंस स्कीम को एग्जाम किया होता है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, जहाँ पे गवर्नमेंट फी पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो वो एग्जाम कर दे, चलो छोटा मोटा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अगेन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कल अगर मैंने जीएसटी के लेक्चर लिए जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के, जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ गए, जैसे अभी ई इनवॉइसिंग का अमेंडमेंट आया हुआ है, ई वे बिल का अमेंडमेंट आया हुआ है, रिटर्न्स का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इंडस्ट्री के जो टीचर्स है जीएसटी के वो अप्लाई करें, और अलग अलग जो जीएसटी के रीजन होते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे कोल्हापुर में बेस हूँ, तो इस रीजन ऑफ महाराष्ट्र के इस जो वेस्टर्न घाट रीजन है, यहाँ पे जो जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ वहाँ पे मेरा उन्होंने लेक्चर रख दिया, दो दो दिन का, यहाँ पे दो दिन, वहाँ पे दो दिन, वहाँ पे दो दिन, मुझे जाके क्या करना है वहाँ पे लेक्चर देने जीएसटी रिटर्न्स के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना, और जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे या गवर्नमेंट मुझे उसका रेम्युनरेशन पे करेगा, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, जहाँ पे पेमेंट विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। आगे जीएसटीएन एक खुद अपने आप में कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी, अगर आपने याद, आपको याद होगा तो सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही डिटेल में हमने इसकी बात की थी। एक ऐसी कंपनी है जो जीएसटी पोर्टल रन करती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। तो जीएसटीएन एक जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को सर्विस तो दे रही है, this company is providing services to government, ठीक है ना, in form of managing GST law in India, GST portal जो वो maintain होता है, तो GSTN के ऊपर tax ना लग जाए, तो उन्होंने उसको exempt कर दिया है। Services provided by GSTN, मतलब goods and service tax network, ठीक है ना, to central government, state government, union territory, for implementation of goods and service tax in India, तो ये भी क्या कर दिया, उन्होंने exempt कर दिया। तो ये सारी बातें यहाँ पे exempt करके रख दी है गवर्नमेंट ने। अभी हमने कौन सा पॉइंट किया,
सीए मॉडल से बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 15 हमने कर लिया क्योंकि वो गवर्नमेंट की रिलेशन में था, लेकिन सर्विसेज टू गवर्नमेंट की बात यहाँ पे की गई थी, और सीएमए मॉडल में इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम करके आ जाएंगे फटाक से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे लगता है वो लगता है क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाय चेन्नई कॉर्पोरेशन फॉर रिपेयर ऑफ अ पर्टिकुलर रोड टू मेसेस बी लिमिटेड। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, चेन्नई कॉर्पोरेशन ने दे दिया, मतलब म्यूनिसिपल लोकल अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हुआ है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट है। तो कॉन्ट्रैक्टर इज द सर्विस प्रोवाइडर, बी लिमिटेड इज द सर्विस प्रोवाइडर, वेयर एज दिस चेन्नई कॉर्पोरेशन इज अ सर्विस रेसिपिएंट। सो दिस इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, इट्स नॉट बाय गवर्नमेंट, इज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख। तो पूरा जो वैल्यू है वो टोटल 12 लाख की, और ये प्योर सर्विस है। प्योर सर्विस मतलब यहाँ पे आपको मटेरियल नहीं लेके आना है, मटेरियल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगा आपको, आपने खाली लेबर लेके जाना है वहां पे और आप काम करके दोगे गवर्नमेंट को। प्योर सर्विस अभी अभी हमने अभी बताओ, रोड वगैरह मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आर्टिकल 243W से आती है, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ रोड, वो सारा यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और उसके लिए आप काम कर रहे हो तो प्योर सर्विस दे रहे हो। अभी अभी हमने एक एग्जम्पशन पढ़ा जहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, एप्लीकेबल रेट वैसे तो यूजुअली वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 18% का, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। इज इट टैक्सेबल सप्लाई, तो पहले का आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू अदर लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है ना। देयरफॉर इन द गिवन केस बी लिमिटेड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला, रिवोक करो, फिर से आपका आंसर कंसिडर करो। रिवोक इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन नेचर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट वेयर मटेरियल इज 4 लाख, मटेरियल दिया भी उन्होंने, अब इसको कंपोजिट सर्विस बोलेंगे, ठीक है ना। Materials 4 lakh involved in the value of contract. अब 4 lakh दिया उन्होंने, अब 4 lakh इन्होंने contract में दिया out of 12 lakh. 4 lakh दिया out of 12 lakh. Total contract price है 12 lakh की, ठीक है ना? Total contract price है 12 lakh की, और जब 12 lakh की total contract price होती है, अब जरा समझो, अगर आप percentage निकालते हो 4 lakh divided by 12 lakh, ठीक है ना, अगर आप percentage निकालोगे तो ये 1/3 होता है, और ये 1/3 मतलब कितना हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 33.33% होता है, 33.33% होता है। तो ये एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, जल्दी बोलो। मैंने क्या बोला अभी आपको, जहां पे गुड्स की वैल्यू नॉट मोर देन 25% होती है वहां तक एग्जम्पशन दिया गया है, गुड्स की वैल्यू नॉट मोर देन 25%, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पढ़ाया मैंने अभी आप लोगों को, गुड्स सप्लाई करोगे चलेगा, लेकिन इट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मोर देन 25% है क्या, जी हाँ है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 33% है। तो कुछ लोगों को क्या लगता है, खाली एक्सेस टैक्सेबल होगा क्या, जी नहीं, एक्सेस टैक्सेबल नहीं होगा, वो कंडीशन है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये सब लोगों का आंसर राइट है, तो मैंने यहाँ पे वो पढ़ाना है आप लोगों को, मेसेज बी लिमिटेड सप्लाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस विच इंक्लूड मटेरियल हेंस टैक्सेबल सप्लाई। और टैक्स उन्होंने कैसे निकाला, 12 लाख का 9% निकालोगे तो 1,08,000 आ गया। अब उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स एंड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी अंडर एंट्री नंबर 3, ये जो नया आया था, ठीक है ना, अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम चलेगा। इन द गिवन केस वैल्यू ऑफ मटेरियल इज 33.33% या 1/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो, देयरफॉर डज नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जम्पशन। ये नोट आपको लिखने आना चाहिए, दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। इसके ऊपर की जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के होमवर्क है, वो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर की जो भी क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है, अगर आपको आप चाहते हो तो मैं एक दो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमारे कल भी रह गए थे तो वो भी आप जरा पढ़ लो। यहाँ पे क्या है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाय बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिपेयर ऑफ पर्टिकुलर रोड टू मेसेस बी लिमिटेड ऑफ मुंबई विद अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख विद द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड बिलो, इट इज अ प्योर सर्विसेज, ठीक है ना। तो प्योर सर्विस है, प्योर सर्विस होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, प्योर सर्विस होगा तो टैक्सेबल होगा क्या, जी नहीं। अभी अभी तो बात की, प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अभी अभी तो हमने उसकी बात की, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें,
entire work should be completed within 30 days, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं है. Rework करने बोल रहा है, अगर यहाँ पे value material is involved, लेकिन कितने का material involved है वो उन्होंने बोला नहीं. यहाँ पे कितने का material involved है वो नहीं बोला उन्होंने. तो अगर नहीं बोला तो हम रेशो निकाल ही नहीं सकते. रेशो निकाल नहीं सकते तो टैक्स लग जाएगा सर. लेकिन ये देखो ना, लास्ट ईयर इस एंटिटी का टर्नओवर अगर 22 करोड़ है, 22 करोड़ मतलब ये स्मॉल एंटिटी नहीं है, बिग एंटिटी है, ठीक है ना. तो टैक्स तो लगना ही है, रजिस्टर्ड होगी. और यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पे खाली उसने वैल्यू ऑफ मटेरियल नहीं दिया तो हमने फुल्ली टैक्सेबल लग दिया. क्योंकि हम रख ही नहीं सकते ना एग्जम्पशन, हम बोल ही नहीं सकते. 25% का कंडीशन ही नहीं लगा सकते अगर आपने हमें ये नहीं बताया कि इसमें मटेरियल कितना है, ठीक है ना. तो ये छोटा सा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. फिर उन्होंने क्या बताया हुआ है, वैलिडेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वैलिडेट मतलब आपको बताना पड़ता है कि सर स्टेटमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है. चार्जेस रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर नॉट फॉर रेगुलेटिंग लैंड यूज लाइक कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी. अब क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. मेरे यहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा, जिस विलेज में हूँ यहाँ पे भी ऐसा इश्यू होता है कि एग्रीकल्चर लैंड यू कैन नॉट यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज. एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं. देन ओनली गवर्नमेंट अप्रूव सर्टन पार्ट ऑफ द लैंड टू बी कन्वर्टेड इनटू एनए लैंड. एनए लैंड की वैल्यू मार्केट में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है. तो वो क्योंकि ये गवर्नमेंट फीस है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में आ जाएगा और नोटिफिकेशन में एग्जम्प्ट हो जाएगा. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट एग्जम्प्ट होती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना. आगे चलते हैं. चार्जेस रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लाइक granting approval of plant is exempt from GST. Yes, ये सारी जो आपको construction of or grant of any registration, any licensing, वो भी exempt करके रखा है government ने, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, grant received by state government from central government, ठीक है ना, क्यों, for implementing national biogas manure management program operating under the ministry of new and renewable energy is a taxable supply of service. तो ये बोलता है कि taxable बोला उसने, statement में बोल दे taxable. नहीं, ये taxable तो हो ही नहीं सकता. The statement is invalid. Invalid मतलब validity लिखनी थी ना अपने को, तो invalid लिख दिया. State government is bound to implement a centrally sponsored scheme. ये थोड़ा आपको background बता रहा है कि अपना इंडिया चलता कैसे है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम अप्रूव की तो स्टेट गवर्नमेंट के पास चॉइस ही नहीं. आज कोविड का भी कोई स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि ऐसा ऐसा कोविड-19 को हैंडल करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वैसे भी कोई खासा चॉइस नहीं था. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सुपरसीड द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा. एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी. तो वो खाली इंप्लीमेंट करा रहे हैं, वहां पे कोई सर्विस नहीं है पहली बात. तो सर्विस होती भी तभी भी बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट हो जाती, टैक्स तो लगना ही नहीं था. State government is bound to implement a centrally sponsored scheme on receipt of grant. Consequently, state government are implementing agency and not a service provider. वो खाली implement कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं. And there is no supply. अब no supply होगा तो GST तो arise ही नहीं होता. और अगर होता भी, मैं बता रहा हूँ, तभी भी by the government to the government होके exempt हो जाता. तो ये कुछ questions थे additional जो मैंने करा लिए, जो काम के नहीं थे वो भी बता दिए. और इसके ऊपर जो है मैंने बताया आप लोगों को पहले से ही, आर्टिकल 243W एंड आर्टिकल 243G में क्या क्या लिखा है, वो सारी बातें आपको एक दो बार रीडिंग करनी चाहिए. ओवरऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू रिटेन, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर आपने लेक्चर सुने हैं तो नहीं, अगर लेक्चर नहीं सुने ढंग से तो प्लीज री वॉच दिस लेक्चर फॉर 1 or 2 times एंड ट्राई टू रिमेम्बर. याद रखने के लिए थोड़ा ज्यादा कॉन्टेंट है, लेकिन ज्यादा है तो क्या हो गया, हम ऐसे भी छोटे मोटे कोर्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज और CA एंड CA में. तो प्रोफेशनल कोर्सेस में तो कंटेंट तो पढ़ना ही होता, उसमें कोई चॉइस है नहीं आपके पास. तो रीड दिस कंटेंट एटलीस्ट 3 to 4 times एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि कैसे पूरा गेम चल रहा है. दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज. आई विल स्टार्ट न्यू सर्विस इन नेक्स्ट लेक्चर. तो मुझे आप एक काम करो, एक 11:45 पे रीज्वाइन करो. इज इट फाइन? थोड़ा देख लो आप लोग इस टाइम में, जब तक मेरा वीडियो प्रोसेस होता है तब तक आप देख लो. एक डाउट आया, एग्रीकल्चर लैंड वर घर बांधला तो एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर घर बांधा तो एग्जम्पशन की बात क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट थोड़ी ना क्या घर बना के देगा, घर तो तू बनाएगा ना, वहां पे कौन सा एग्जम्पशन होगा, ठीक है ना. और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर फार्म हाउस बन सकता है, घर नहीं बन सकता, उसको एनए कन्वर्ट करना पड़ता है. एनए कन्वर्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसे दोगे तो वो पैसे एग्जम्प्ट है, ठीक है. विजय समझा? चलो देन विल सी यू एट 11:45. ये लेक्चर प्रोसेस होने दो.
अपन लोग नया लेक्चर नए नए प्लेलिस्ट में चालू करेंगे।